आपने कई ऐसे किस्से सुने होंगे जिसमें कि पिता अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी समर्पित कर देते हैं, अपनी जी जान और मेहनत की कमाई अपने बच्चों के ऊपर निछावर कर देते हैं। जानते हैं क्या नाम है उनका और क्या किया उन्होंने ऐसा कारनामा जिसको देख करके वो खुद ही हैरान है और आज पिता किस स्थिति में उनके। जी, आपके नाम से शुरू करना चाहूँगी। मेरा नाम वानिया है। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि आपने पिताजी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और वो क्या कदम था? एक्चुअली क्या हुआ, पापा को इमरजेंसी ट्रांसप्लांट की नीड थी और डॉक्टर ने डिसाइड किया था कि हम लोग एक डे रखते हैं वन, मतलब ट्यूसडे का उन्होंने डे हमें डिसाइड करके दे दिया था कि ट्रांसप्लांट करना है। पहले मतलब हम लोगों ने काफ़ी घर में डिस्कशन हुआ तो मैंने बोला कि मैं ही दूंगी क्योंकि मैं एक हेल्दी फिट हूँ। तो फाइनली मतलब वन डे एक मेरे पास था डिसाइड करने के लिए, तो मैंने उसमें ही डिसाइड किया कि मतलब मैं देती हूँ अपना लीवर। फिर मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स मतलब क्लियर अच्छी आती गई, एक ही दिन में सब टेस्ट वगैरह हुए। फिर ट्यूसडे को ऑपरेशन था और वो ऑपरेशन मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसमें क्या होगा, काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था, 14 आवर्स का ऑपरेशन था। और उसके बाद उन्होंने 5 डेज़ ICU में रखा एंड उसके बाद 7 डेज़ नॉर्मल वार्ड में। मुझे काफ़ी मतलब इन्फेक्शन भी हो गया था तो वो तो कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इतना हो जाता है पापा के लिए तो कुछ भी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आप मात्र 23 साल की उम्र में हैं, तो इस उम्र में ये इतना बड़ा डिसीज़न कैसे आया? परिवार की तरफ से कुछ समझाया गया या आप खुद की समझ थी कि पिताजी के लिए सब चीज़ें करनी? नहीं नहीं, कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, कुछ भी नहीं, बस पापा की वही मतलब मोहब्बत याद आई सब कुछ। और मतलब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ही लीवर दूंगी। क्या करते हैं पिताजी और अभी फ़िलहाल फिट हैं या फिर कुछ स्थिति? कुछ दिन मतलब लीवर ट्रांसप्लांट के बाद पापा की मतलब तबीयत तो अच्छी थी, अभी थोड़ा बहुत उनकी स्टेबल नहीं है, उनका ब्लू रिबन वगैरह हाई हो गया थोड़ा। तो अब अपना भविष्य आप कैसे देखती हैं क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है और पिताजी की ज़िंदगी को बचाने की इतनी बड़ी बड़ा कदम उठाया, अपने आप को कहाँ देखती हैं, भविष्य में क्या करेंगी, पिताजी के साथ रहेंगी या शादी करके आगे जाने की उम्मीद या साथ में ही रहना है? ये सब तो मैंने अभी कुछ सोचा नहीं, पहले मैं खुद ही मतलब अपने आप को 1 ईयर तक फिट कर लूँ क्योंकि 1 ईयर का टाइम लगता है लीवर वापस मतलब अपनी जगह पर आने के लिए। तो आगे देखेंगे, ये सब तो बाकी नसीब की बात है हर चीज़। मतलब लोग कहते हैं कि सबने कहा कि नहीं, मतलब किसी का ब्लड प्रेशर भी हाई होता है तो उसमें मतलब शादी वगैरह नहीं होती। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा सब चीज़ें तो नसीब की होती है, जिसके नसीब में लिखी होती है शादी होकर रहती है और औलाद वगैरह भी सब मतलब नसीब का होता है, इसमें मतलब कॉम्प्रोमाइज़ या सोचना ही क्या। लोगों के साथ बड़े से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। वानिया ने बताया कि वो अपने परिवार और अपने पिता के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। उन्होंने अपना करियर, अपना भविष्य, अपने शादी के बाद की ज़िंदगी को ना देखते हुए अपने पिता की ज़िंदगी को महत्व दी। ऐसा बहुत कम लोग करते हैं आजकल। मैं शशिकला सिंह, ETV भारत, नई दिल्ली से।